अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले को सियांग जिले से अलग कर दिया गया था, लेकिन पासीघाट इन दोनों जिलों का जिला मुख्यालय है। इसके उत्तर में है ऊपरी सियांग जिला, दक्षिण में है असम, पूरब में निचली दिबांग घाटी और पश्चिम में है सियांग जिला। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले और पासीघाट के निवासी ज्यादातर पासी, पदम और मिन्योंग हैं। इनमें से कई गालो और मिशिंग जनजातियों के भी इलाके पाए गए हैं। कोयू, पांगिन, बोलेंग, रीवा और मेवू इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। पासीघाट सन 1911 से इस इलाके का प्रशासनिक केंद्र है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का एक पहाड़ी राज्य है जो प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है। चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है, एक सुंदर वातावरण। चलो आज फिर पासीघाट चलते हैं। इस बार भी बारिश हमारे साथ है। नीले आकाश और हरे जंगल के बीच सफेद बादलों का आवरण अरुणाचल प्रदेश की एक साधारण दृश्य है। हम ऐसे ही खूबसूरत दृश्यों के बीच यात्रा कर रहे हैं। यह पासीघाट की प्रसिद्ध सब्जी मंडी है। इस बाजार का खास बात यह है कि इस बाजार में सभी सब्जियां स्थानीय जैविक पद्धति से उत्पादित की जाती हैं और लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। इससे उत्पादकों, श्रमिकों और व्यापारियों को भी लाभ हुआ है। आइए अब हम पासीघाट के एक दूसरे इलाके में चलते हैं, जहां से आप कभी वापस नहीं आना चाहेंगे। पासीघाट से तकरीबन 7-8 किलोमीटर सफर करने के बाद हम यहां आ पहुंचे हैं। यहां पे एक सुंदर सा जलप्रपात है जिसका नाम है सिरकी। सिरकी जाने के लिए हमें यहां से होकर ऊपर जाना पड़ेगा। तकरीबन 10 मिनट के अंदर हम ऊपर पहुंच जाएंगे। अब हमें हरे भरे जंगल से होकर सीढ़ियां चढ़नी होगी। कितना सुंदर नजारा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को नीचे ही बताया था कि ऊपर तक पहुंचने के लिए 10 मिनट लगता है, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 6 मिनट लगे। आप देख ही सकते हैं यहाँ से ऊपर से नीचे तक बहने वाली पानी ऐसा लग रहा है जैसे कोई सफेद चादर हो और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं। आप देख सकते हैं।
नीले आसमान और हरे भरे जंगल के बीच सूती चादर की तरह बहती झरने का खूबसूरत नज़ारा किसी का भी मन रोमांचित कर देता है। खूबसूरत वातावरण शानदार दृश्यों से छिपी है हमारी मंजिल। इस स्थान से थोड़ा आगे चढ़ने पर आप चिरकी जलप्रपात के मुख्य स्रोत तक पहुंच जाएंगे। यही चिरकी जलप्रपात है जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण रहा है। यह झरना खूबसूरत दृश्यों से भरपूर है।